भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। बुधवार की शाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों के साथ सिक्किम और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के शिक्षाविद भी मुख्यमंत्री आवास में उपस्थित हुए। लंदन स्टेट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर सुकुल ने मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। गुरुवार को अगरतला के प्रगणा भवन में CII त्रिपुरा अनानास महोत्सव और प्रदर्शनी 2018 आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव बर्मन ने महोत्सव का उद्घाटन किया। त्रिपुरा अनानास महोत्सव का लक्ष्य सरकार, सहयोगी एजेंसियों और निजी निवेशकों, स्थानीय अनानास उत्पादकों, अनानास उत्पादक समाज आदि जैसे विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाकर उनके विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से त्रिपुरा में अनानास उद्योग का मूल्यवर्धन करना और व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना था। त्रिपुरा देश में अग्रणी अनानास उत्पादक राज्यों में से एक है, जहां कुल उत्पादन लगभग 1.8 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जिष्णु देव बर्मन ने कहा कि सरकार एक बुनियादी ढांचा और विकास बोर्ड तैयार करेगी, जिसके माध्यम से निवेशक राज्य में निवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अनानास पर उद्योग स्थापित करना चाहती है। Profit was a dirty word. But to us, we say profit is okay, but looting or profiteering is not okay. For us, profit is okay. That generates the business, that allows you to expand your businesses, that allows efficiency in your businesses, profit, that allows your business to sustain, to create more employment. So it is okay for us. It is in tune with our vision, because without profit, a business cannot grow, it cannot expand. अगरतला के प्रगणा भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उत्तर पूर्व क्षेत्रीय समीक्षा बैठक तथा कार्यशाला चल रही है। गुरुवार सुबह राज्य स्वास्थ्य मंत्री सुदीप राय बर्मन ने 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया और उस कार्यक्रम में उन्होंने NHM कर्मचारियों को नियमित करने के लिए केंद्र से अपील की। If you don't get the job satisfaction where you are due, obviously, I feel that the people's expectation will be frustrated. If not possible across the state, at least these special category states are not distinct states. All employees are under NHM. My humble demand to all officials, to the government of India. इस अवसर पर त्रिपुरा के स्वास्थ्य मंत्री सुदीप बर्मन ने कहा, NHM नियमित कर्मचारियों की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय और कामकाजी तरीके से काम कर रहा है। NHM people are working much more than the regular staff of the National Health. बर्मन ने आगे कहा, NHM के तहत सभी कर्मचारियों को नियमित करने का मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि NHM के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के नियमित कर्मचारियों से बहुत अधिक काम कर रहे हैं।
धर्मनगर के डीएसपी डीआईबी विक्रमजीत शुक्लदास और धर्मनगर के ओसी बेनु माधव डे ने आज उत्तर त्रिपुरा के धर्मनगर बाजार स्थित विश्वजीत डे के गोदाम पर छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई। ऐसे में जब मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार डे ने राज्य को ड्रग्स मुक्त करने का ऐलान किया है, पुलिस राज्य भर में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन थे धर्मनगर का जो सब्जी मंडी है, उधर सब्जी मंडी का जो गोडाउन है, गोडाउन का अंदर बहुत सारा नशा सामग्री है। तो उसी इंफॉर्मेशन के आधार हम लोग इधर आए हैं। आने के बाद बहुत सारा नशा का टेबलेट जो नाम है सेम्पेक्स और उसका नाम है टॉसेक्स और जो कफ सिरप, और ये एक बस्ता मिला है पूरा। अभी भी हमारा ऑपरेशन जारी है, तो हम लोगों का उम्मीद है और बहुत सारा शायद मिल जाएगा। प्रतिबंधित सामग्री के जब्त होने की खबर मिलने पर त्रिपुरा विधानसभा के उपाध्यक्ष विश्वबंधु सेन मौके पर पहुंच गए और पुलिस कार्रवाई की प्रशंसा की। Our honorable Chief Minister called that addiction